मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ ब्लॉक के चंदेरी पंचायत के महोबिया गांव में धसान नदी में फंसे दो किसानों का गुरुवार को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रूपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के। पिछले 24 घंटे से दोनों किसान नदी के बीच टापू पर फंसे थे। नदी के तेज बहाव के कारण कलेक्टर ने सेना से मदद मांगी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ सका। आखिरकार गुरुवार को पन्ना एनडीआरएफ ने नाव की मदद से दोनों किसान राम मिलन यादव और चरण रैकवार को बाहर निकाला। इस दौरान कलेक्टर अवधेश शर्मा, एसपी रोहित काशवानी, एसडीओपी राहुल कटरे सहित अधिकारी मौजूद रहे। टापू के बाहर निकालने के बाद दोनों किसानों का हेल्थ चेकअप कराया गया। वहाँ तो दहशत आ रही थी, तो इस तरह जब बढ़ रहा हो तो वहाँ कोई बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। आप कब गए थे? हम गए थे 2 दिन पहले। क्या करते हैं आप वहाँ? खेती करते हैं। तो सक्सेस निकाल लिया गया? हाँ जी सर। कलेक्टर ने बताया कि दोनों किसान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें घर पहुंचा दिया गया है। पिछले 24 घंटे से आपने देखा लगातार टीकमगढ़ नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में जोरों से बारिश हो रही है, और हमारा जो नदियों में पानी आता है वो बैकवाटर से आता है। हमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए शुरू में हेलीकॉप्टर की आवश्यकता लगी, जिसके लिए हमने पूरे भरसक प्रयास किए। मध्य प्रदेश शासन व केंद्र शासन ने उसके लिए सहयोग प्रदान किया। झांसी में अत्यधिक बारिश होने के कारण हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया। पायलट आज सुबह से भी लैंडिंग पोजिशन पे थे टेक ऑफ के लिए, कल भी थे, आज भी थे। उसके बाद तत्काल हमको मध्य प्रदेश शासन से हमने रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ से हाई लेवल से बात करके हमको तत्काल एनडीआरएफ की टीम उपलब्ध कराई गई। एनडीआरएफ की टीम बड़ी सक्षम थी, उनको हमने हमारे रेकी कराते हुए उनको पूरे एरिया के एरिया डोमिनेशन कराया। एसपी साहब की टीम ने ड्रोन के माध्यम से उन्होंने उनके सहयोग से इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को संपन्न किया, जिसके अंदर दोनों जने सकुशल यहाँ पे वापस प्राप्त हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉल पर बात हुई, उन्होंने भी कहा जी, आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर सभी को कहा था कि किसी प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत अंजाम दिया जाए, ताकि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उसी तारतम्य में हमने एक्शन लेते हुए एनडीआरएफ की टीम को भेजा। मुख्यमंत्री जी ने सभी दोनों को सुरक्षित वापसी के लिए, उनका सकुशल रहने के लिए उनके बारे में उन्होंने प्रार्थना भी की थी भगवान से, और वो सकुशल रहे तो उन दोनों ने उनको धन्यवाद दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने उनको सफल और सुरक्षित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने मंगल कामना करी। बुधवार को धसान नदी में दो किसान खेत में फंस गए थे। जानकारी लगते ही कलेक्टर अवधेश शर्मा और एसपी रोहित काशवानी एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। नदी का बहाव तेज होने के कारण एसडीआरएफ की टीम शाम तक किसानों का रेस्क्यू नहीं कर सकी। कलेक्टर ने दोनों किसानों को नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना से मदद मांगी थी। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि इमली घाट के पास दो लोग करीब 24 घंटे से फंसे थे। ड्रोन कैमरे द्वारा दोनों युवकों पर नजर रखी जा रही थी और आज दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह लोग 2 दिनों से धसान नदी के बीच टापू पर फंसे हुए थे। पानी का तेज बहाव होने के कारण एसडीआरएफ की टीम उनका रेस्क्यू नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उनको नहीं निकाला जा सका। आज एक बार फिर एनडीआरएफ ने सुबह से प्रयास शुरू किया और दोपहर करीब 1 बजे दोनों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया। धसान नदी के टापू पर बाहर निकालने के बाद दोनों युवकों का डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। टीकमगढ़ जिले में लगातार वर्षा हो रही है, इससे नदी, जलाशय, नालों आदि में पानी का स्तर बढ़ गया है। मैं एसपी टीकमगढ़ आप सभी से अपील करता हूँ कि सावधान रहें। प्रशासन द्वारा कई ऐसे स्थानों पर संकेत लगाए गए हैं, उनका पालन करें। कृपया करके गहरे पानी में ना जाएं, नदी, तालाब आदि के आसपास पिकनिक मनाने ना जाएं, और किसी भी पुलिया या रपट पर थोड़ा भी पानी आया है तो उसको अपने वाहन से क्रॉस ना करें। जैसा कि हम साइट पर पहुंचे तो नदी के फ्लो को देख करके लगा कि काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन चैलेंजिंग है तो क्या, निकालना तो था ही उनको। हमारी जो इक्विपमेंट है, बोट है, उनको उनकी मदद से हमने इनको बाहर निकाला। यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं कितनी दूरी पे रेस्क्यू किया? रेस्क्यू की दूरी तो लगभग हमने दो नदियों, एक नदी है जो कि 2 भाग में थी, उस दोनों को क्रॉस किया है, तो दूरी लगभग आप मान के चलिए कि 400 मीटर 500 मीटर रहा होगा। दोनों युवकों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की और पूरी टीम को बधाई दी, और कलेक्टर एसपी ने रेस्क्यू टीम का सम्मान किया। रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया सर, आप दोनों बात करना चाहेंगे?
धन्यवाद आपको, आपकी मेहरबानी से बाहर आ गए हैं, आपकी आपकी टीम ने निकाल लिया हमको सुरक्षित। क्या नाम था आपका? क्या नाम है? राम मिलन यादव। वो रामचंद्र कोई परेशानी तो नहीं है आपको? चलो अच्छा है, भगवान की दया, महाकाल की कृपा आप सब पे, बहुत अच्छा। सभी सारे लोगों को मिलकर के सबको ध्यान रखना, और अब पानी वानी आ तो बचाव में रखना अपने आप का, है ना? दोबारा गिराना मत ऐसी स्थिति। सभी सभी जवानों को बधाई देता हूँ मैं अपनी तरफ से, जो जितने भी जवान हैं और उनको सबको, जो जितने लोग, कितने लोग थे रेस्क्यू टीम में? चलिए बढ़िया बढ़िया। एस पी कहाँ? एस पी नमस्कार। एक काम करना है, इनको सबको पुरस्कार देना, ये पूरी टीम है ना, पूरी टीम को सम्मानित कर रहे हैं और पुरस्कार भी। टीकमगढ़ से अंजलि जैन की रिपोर्ट। फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिल्ली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387, 8770380207।